हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं 5 आलू, इस तरह से हमने पानी में भिगोए हुए हैं, काला नमक पाउडर, काली मिर्च, ऑयल फ्राई करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको पोटैटो को इस तरह से कट करना है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से आपको सारे फ्रेंच फ्राइज की शेप में मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से आपको आलूओं को पानी में 5 मिनट के लिए रखना है, देन साफ पानी से इसे धोना है और अच्छे से एक एक बूंद पानी निकल जाए, देन मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको अपने पोटैटोस को पूरी तरीके से सुखाना है। मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, दैट इज कॉर्नफ्लोर। अब आपको इसमें कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करना है इस तरह से, इससे जो आपके पोटैटोज हैं वो बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। और आपको मिक्स करना है इस तरह से। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें इस तरह से फ्रेंच फ्राइज डालेंगे एक करके। ये अभी फर्स्ट फ्राई है फ्रेंड्स, मैं पहली बार आपको फ्राई करके, बेसिकली इनको दो बार फ्राई करना है, एक बार नहीं। पहले थोड़े आधे सॉफ्ट हो जाए, देन अब हम फ्रेंच फ्राइज को निकाल रहे हैं पहली फ्राई करके। एक ही बार फ्राई की अभी मैंने। अब हम 5 मिनट का वेट करेंगे, देन इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें काली मिर्च और काला नमक ऐड कर दिया है और ये फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उस पर कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।